जरा सोचिए कि अचानक ही पूरी दुनिया बीमार हो जाए उसकी तस्वीर जहन में लाइए अब हर शख्स को मास्क दे दिए जाए जो हर वक्त पहना करें तो क्या हमारी जमीन बेहतर हो जाएगी लेकिन सीरियसली किसी भी पेंडेमिक के दौरान मास्क कितने सूदमंद साबित होंगे और पूरी इंसानियत को सप्लाई करने के लिए इनकी कितनी तादाद में जरूरत होगी और कैसे ये बहुत सी जॉब्स क्रिएट करने में मदद देगा असल में मास्क पहनने के पीछे लाजक ये है कि ये इन जरासीमों को आपके नाक और मुंह में घुसने से बचाते हैं जो किसी के छींकने से स्प्रे होते हैं और अगर आप पहले ही से बीमार हैं तो ये आपके जरासीमों को दूसरों तक पहुंचने से रोकता है और वो बीमार नहीं पड़ते लेकिन कुछ लोग मास्क इसलिए पहनते हैं कि ताकि गर्द और जहरीली हवा से बच सकें लेकिन जहां हम सिर्फ मेडिकल मास्क की बात करेंगे इन को पहनने की गाइडलाइंस बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं और चेंज होती रहती हैं। हम इस कन्फ्यूजन को जितना क्लियर कर सकते हैं इतनी कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं अगर हमें हर किसी को मास्क देना पड़ेगा तो हमें कितने मास्क की जरूरत पड़ेगी इस वक्त दुनिया में सात अरब इंसान मौजूद है और चूंकि आपको एक मास्क 24 घंटे से ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए तो हमें हर हफ्ते पचपन अरब मास्क की जरूरत होगी और यकीनन मेडिकल के शोबे से वबस्ता लोगों को हाई क्वालिटी के और महंगे N95 रिसेप्टर मास्क की जरूरत होगी दुनिया में 5 करोड़ नब्बे लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और सिर्फ इन्हीं को N95 मास्क देने के लिए हर दिन 30 करोड़ डॉलर्स की जरूरत होगी और चूंकि आम शहरियों को इतनी एहतियात की जरूरत नहीं होती तो वो रेगुलर पेपर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कीमत होगी तीन अरब डॉलर पर डे अभी तक तो मास्क बनाने वाली कंपनियां इतनी तादाद में मास्क प्रोड्यूस नहीं कर रही तो इस तरह मास्क की नई फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ेगी जो कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट करने में मदद देंगी लेकिन कौन होगा जो इन मास्क की इतनी कीमत अदा करेगा और अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करने से इनकार करती है तो लोगों को खुद ही ये खरीदने पड़ेंगे इसके लिए हर किसी को तकरीबन 150 डॉलर पर ईयर जरूर मास्कों पर सर्व करना पड़ेगा और मास्क ना पहने पर सजा भी दी जाएगी और जब ये फेस मास्क आम हो जाएंगे तो मास्क यकीनन एक फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगेगा इसके लिए हमें मास्क का कलर कपड़ों और जराबों या शूज से मैच करना पड़ेगा और सफेद मास्क तो खत्म ही हो जाएंगे अगर हर शख्स ही हर वक्त मास्क पहनेगा तो लोगों से मेल जोल भी डिफरेंट हो जाएगा जैसे आपके लिए किसी के फेस एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा ऐसा करना हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करेगा ऐसा करने से वायरस का फैलना कम हो जाएगा और शायद अगले पेंडेमिक से बचा जा सके और हम शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फेस मास्क की इफेक्टिवनेस को मैयर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके मसर होने में बहुत से अवामल कार फरमा होते हैं जैसा कि आपका चेहरा कैसा है मास्क की शेप और किस्म कौन सी है और आप सांस कितनी मरतबा लेते हैं और आम सर्जिकल मास्क के साथ मसला ये है कि इनके अंदर हवा घुस सकती है लेकिन इसको साइड पर रखिए तो सिर्फ सांस लेना ही ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं हम शेकेंड भी तो करते हैं और ऐसा करने से हम एक दूसरे को टच करते हैं जिससे अगला शख्स बीमार पड़ सकता है और हम तकरीबन 50 बार अपने चेहरे को टच करते हैं कोर्स मास्क की वजह से हम चेहरे को कम टच करेंगे लेकिन जब भी आप मास्क को टच करेंगे तो आपको नया मास्क लगाना पड़ेगा इसके बावजूद भी आपको बार बार हाथ धोना पड़ेंगे और बाकी लोगों से दूर रहना पड़ेगा जब आप बीमार हों तो और आपको बहुत से अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा कि सही तौर पर मास्क को कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपको पहले हाथ धोना पड़ेंगे या कम अज कम हैंड सैनिटाइजर का एक स्प्रे करना पड़ेगा मास्क को डिब्बे से निकालकर इस तरह कान के पीछे से बांधेंगे कि मेटल वाली तार ऊपर की तरफ से मास्क का निचला हिस्सा थोड़ी की तरफ खींचें और मेटल बैंड को अपने नाक पर प्रेस करें ताकि मास्क सही तरीके से फिट बैठ सके इसको फेंक दें जब ये गंदा हो जाए तो और नया पहनने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धो ले इससे साबित होता की तकरीबन आठ अरब मास रोजाना की बुनियाद पर फेंक दिए जाएंगे जिनको री यूज और रिसाइकल भी नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से जमीन पर बहुत ज्यादा कचरा बढ़ जाएगा अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं तो पेंडेमिक के दौरान अपने घर में रहिए मास्क सिर्फ उस वक्त पहने जब आप घर से बाहर निकले आपके घर में कोई बीमार हो तो और हैवी ड्यूटी एन फाइव मास्क को सिर्फ मेडिकल से व्यवस्था लोगों के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि वो हर वक्त बीमार लोगों से कंटैक्ट में रहते हैं या शायद क्रिएटिव बनिए और सर्च कीजिए कि कौन सा मटेरियल ज्यादा मुसर साबित हो सकता है पैंडमिक बहुत तकलीफ होते हैं लेकिन काम से थोड़ी सी रेस्ट हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है राइट right? लेकिन क्या होगा अगर हर कोई एक ही टाइम पर काम करना छोड़ दे लेकिन इसका जवाब अगली स्टोरी में मिलेगा